देने को सकता है। जो आदमी कोई काम के नहीं है उनको मंत्री बना दिया, नेता बना दिया, गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक गरीब आदमी मार्केट में बैठ के 10 रुपए जब कमाता है, कितना उसके दिल से पूछो कितनी मेहनत करके कमा रहा है। गाड़ियों में घूमने वाला, एसीयू में बैठने वाला गरीबों का दर्द कैसे समझेगा? उसको दर्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको कभी आज तक उसने गरीबी देखी नहीं है। हम कह रहे अब हम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता सबको चैलेंज कर रहे हैं, वो आए और खेती किसानी करें और फिर उस सब्जी को जाके मंडी में बेचें, देखें कितनी मेहनत से पैसा पैदा होता है। एक तरफ जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो दूसरी तरफ बीजेपी उनको ले लेती है और कहती है कि अब हमारे में आगे गंगा स्नान हो गया। यानी कि इस पर क्या लगता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दोहरी राजनीति है ना, मतलब अगर अभी कोई आम आदमी पार्टी में हो तो उस पर ईडी बैठा दी जाएगी, कोई कांग्रेस पार्टी में हो तो उस पर ईडी बैठा दी जाएगी, कोई सपा पार्टी में हो तो ईडी बैठा दी जाएगी, वही मंत्री आके इनकी पार्टी में ज्वाइन कर ले उस पर कोई ईडी नहीं बैठती है। बाहर भ्रष्टाचार करता रहता है, इनकी पार्टी में आके भ्रष्टाचार कर रहा है। जनार्दन रेड्डी को जानते हैं, ये जमीन का विकास दिखता है वाकई में कि नहीं किसानों के? देखो एक चीज बता दें, विकास किसी के लिए नहीं है, बस खाली किसके लिए विकास है आपको बता दें। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ विकास के नाम की चीज होती है। गरीब गरीबी रहेगा, चाहे कितना भी मोदी जी चाहे लें, चाहे योगी जी चाहे लें, गरीबी नहीं वो खत्म होने। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। वैसे राजनीति का माहौल अलग है, लेकिन किसानों का मुद्दा दूसरी तरफ है। सरकार ने और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी वादा किया है पक्ष और विपक्ष में कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम MSP की गारंटी देते हैं। वाकई में किसानों से जुड़े लोगों से राहुल गांधी की गारंटी पर और PM मोदी की गारंटी पर दोनों पर बात करते हैं। ये क्या लगता है आपको, राहुल गांधी MSP पर गारंटी पूरी करेंगे? मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है, भारतीय किसान यूनियन आरआरबी गुप्ता के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी तमाम किसानों से मुलाकात होती रहती है और कई मित्रों पे चर्चा होती रहती है। तो उनको ज़्यादा MSP की तो हमने बात नहीं सुनी है उनके मुँह से, क्योंकि जो आप बता रहे पंजाब की तरफ जो किसान धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं उनकी तरफ से ज्यादातर बयान आते रहते हैं। तो हो सकता है कि किसानों की कोई समस्या ऐसी हो जिसको अपना रखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसानों की भी बात सुनी जाए और किसानों के सम्मान के लिए सरकार कुछ करे। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं और इतने किसान अगर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अभी देखा आपने कुछ दिन पहले बॉर्डर पे जो स्थिति बनी हुई थी कि सेना में और किसानों में लड़ाई हो गई, इसमें कितने लोग इधर से शहीद हुए होंगे, उधर कितने लोगों को चोट लगी होंगी, इसकी वजह से कि जरूरत है कि सरकार को किसान की बात को सुनना चाहिए। क्या लगता है सरकार किसानों की बात सुन रही है? देखिए उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कल मैं डिबेट सुन रहा था जिसमें अनुराग भदौरिया जी थे और कांग्रेस के प्रवक्ता थे लखनऊ के जो हैं, और एक द्विवेदी जी हैं जो पत्रकार हैं, मतलब जो प्रवक्ता हैं, उनका मैं डिबेट सुन रहा था। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो अपने सिवा किसी की बात सुनते ही नहीं। जब डिबेट पे ऐसा लग रहा है तो आम जनता की बात कैसे सुनते हैं? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिससे कि आम जनता की बात को दबाया जाता है, उसकी बात को नहीं सुना जाता है। अधिकारी अपने मन मौजी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, ये बात जरूरी है कि आम आदमी अगर वोट ना दे तो सरकार कैसे बनेगी, इसलिए आम आदमी की बात सुनना बहुत जरूरी है। और कुछ समस्याएँ तो हैं इसकी वजह से आम जनता में नेता कुछ बच्चे के लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो बात हमें लगता है सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार क्या है, अपना मन चाहा रवैया अपना रही है, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहती है, किसी को कुछ समझना नहीं चाहती है, सिर्फ अपने मन में जो बात उसकी आती है वो सही है, बाकी दुनिया पूरी गलत हो जाती है। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर किसान अपनी मांग उठा रहे हैं कि मुझे एमएसपी गारंटी दी जाए, खाद सस्ती की जाए और किसानों के लिए अच्छी स्कीम मिल जाए, लेकिन सरकार उसके बजाय तो कार्रवाई कर रही है। सही बात है भाई, सरकार आप समझिए जैसे किसान है, जब अगर गांव में वो मेहनत कर रहा है, अगर वो खेती कर रहा है तभी तो लोग गेहूँ खा रहे हैं,
तभी तो लोग चावल खा रहे हैं, तभी तो लोग सब्जियां खा रहे हैं। और किसान इतनी मेहनत करने के बाद धूप में सब्जी को बोता है, पानी लगाता है, उसको थोड़े दिन वेट करता है और जानवरों से बचाता है, तब वो मार्केट में ला पाता है। और उसके बाद अगर उसके मन मुताबिक रेट नहीं मिल रहा तो क्या मतलब होता है। इसलिए आप देख लीजिए बाजारों में आज जो पहले अनलिमिटेड सब्जी आती थी, आप लिमिटेड में आने क्यों आ रही है, क्योंकि किसान इतना मेहनत करने बाद उतना पैसा नहीं पाता है, इसलिए वो परेशान हो रहा है। और ये बात सरकार को ध्यान देने को सकता है, जो आदमी कोई काम के नहीं है उनको मंत्री बना दिया, नेता बना दिया, गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक गरीब आदमी मार्केट में बैठ के 10 रुपए जब कमाता है, कितना उसके दिल से पूछो कितनी मेहनत करके कमा रहा है। गाड़ियों में घूमने वाला, एसीओ में बैठने वाला गरीबों का दर्द कैसे समझेगा, उसको दर्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको कभी आज तक उसने गरीबी देखी नहीं है। हम कह रहे अब हम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता सबको चैलेंज कर रहे हैं, वो आए और खेती किसानी करें और फिर उस सब्जी को जाके मंडी में बेचें, देखें कितनी मेहनत से पैसा पैदा होता है। वो तो खाली बैठे बैठे वहाँ अपना भाषण दे दिया, उसके बाद जो मन कर रहे हैं। मथुरा में हेमा मालिन और घोसी में ओपी राजभर जी तो गेहूँ काट रहे हैं ना, कोई कोई क्यों नहीं काट रहा है, खड़जी से बात कर रहे हो, नहीं निकल काटने का क्या वो फोटोशूट था और क्या, वो क्यों काट रही है बताओ, गेहूँ क्यों काटेंगे जब इतना पैसा ऐसे वो काट रहे हैं, तो गेहूँ क्यों काटेंगे भाई। नहीं काटने का वीडियो आया था, प्रचार का ही रही, प्रोपेगेंडा ही रही ना, ये जमीन का विकास दिखता है वाकई में कि नहीं किसानों के विकास किसी के लिए नहीं है, बस खाली किसके लिए विकास है आपको बता दें, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ विकास के नाम की चीज होती है। गरीब गरीबी रहेगा, चाहे कितना भी मोदी जी चाहे लें, चाहे योगी जी चाहे लें, गरीबी नहीं वो खत्म होने देंगे, क्योंकि मानते हैं कि योगी जी और मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपनी बात भी करते हैं, ईमानदारी से अपनी बात रखते भी हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन जो उनके शासन काल में अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो लोगों का पेट इतना बड़ा हो गया है कि गरीब जनता दिखाई नहीं पड़ती। योगी आदित्यनाथ की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो तो अपनी बात सही रखते हैं, लेकिन इतने भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं कि वो कभी गरीबी खत्म नहीं होने। एक तरफ जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो दूसरी तरफ बीजेपी उनको ले लेती है और कहती है कि अब हमारे में आगे गंगा स्नान हो गया, यानी कि इस पर क्या लगता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थोड़ी राजनीति है ना, मतलब अगर अभी कोई आम आदमी पार्टी में हो तो उस पर ईडी बैठा दी जाएगी, कोई कांग्रेस पार्टी में हो तो उस पर ईडी बैठा दी जाएगी, कोई सपा पार्टी में हो तो ईडी बैठा दी जाएगी, वही मंत्री आके इनकी पार्टी में ज्वाइन कर ले उस पर कोई ईडी नहीं बैठती है, बाहर भ्रष्टाचार करता रहता है, इनकी पार्टी में आके भ्रष्टाचार कर रहा है। जनार्दन रेड्डी को जानते हैं? नहीं, हम आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जिसके बयान पर जेल के अंदर है, वही दिखा दो पहले चंदा दिया जटने वो बस चंदे वाला धंधा, तो उसमें क्या लगता है कि अब वो पाक हो गया है। यही तो मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ताना शाह रवैया ठीक नहीं है, इस तरीके से आम जनता की बात नहीं सुनी जाती है। दूसरी बात, आम जनता के लिए कोई नेता अगर बोलने का प्रयास करता है उसके ऊपर ईडी बैठा दी जाती है, जांच करा दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है, उसको क्या तरीका है। जांच तो बुरी बात नहीं है, अगर जांच किसी को गलत होगा तो गलत निकलेगा, सही होगा सही निकलेगा। अरे जांच आपकी बात सही है, जांच गलत नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी गरीब के लिए बोल रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है, तो उस पर तो मीडिया बैठा दूंगी, उसकी जाँच होने लगेगी तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी ना, फिर वो आदमी अपने आप को बताएगा कि सरकार से लड़ेगा। मतलब सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, तो है जाहिर सी बात है भाई। मतलब आप ये कह रहे हैं ना, और ना हुकूमत आगे तो करना है, वो दूर आ नहीं नहीं चल रहा भाई। आपको लगता है कि जो सरकार कर रही है, कह रही है कि सबका साथ हुआ है, विकास हुआ है, देश ऊंचाइयों पे गया है, जमीन स्तर पे महंगाई खत्म हुई है, देश का नाम हुआ है, देश की गुडविल बढ़ी है। अच्छा ये बताओ, कोई अपने लड़के को काना कहता है? कोई नहीं कहता है ना। वो जो सरकार में जो उनके हैं मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके सदस्य हैं, वो लोग अपनी बात खाली कहते हैं, दूसरे सुनते नहीं है। हम कह रहे हैं वो जो भी बीजेपी का समय है, समय यहाँ लखनऊ में हम उसके डिबेट करेंगे साथ में बैठ के, और वो सही सही बात बता के मेरे साथ जहाँ जहाँ बताएं जमीनी स्तर पे चले, वो देखे हकीकत क्या है। अब वहाँ टीवी में बैठ के सुधांशु जी कल बोल रहे थे, हम देखे टीवी में सुधांशु द्विवेदी जी बोल रहे थे, उनकी बात सिर्फ सुनी जा रही थी, न्यूज में जो
आता है जी न्यूज, वो भी जो ने दूसरों की आवाज दबा रहा था, सुधांशु द्विवेदी की सिर्फ आवाज सुनी जा रही थी। जनता को मतलब ठीक है, इतना भी दुखा ना मोदी शासन में मीडिया पे प्रेशर है और मीडिया बिकाऊ है, सरकार भी बोल रही है। बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भाई समझो, जब चार आदमी डिबेट पे बैठे हुए हैं तो तुम तीन आदमी की बात सुन नहीं रहे हो, श्री शुभांशु द्विवेदी की बात सुन लो, क्यों सुन रहे हो भाई उसकी बात? क्या तुमने उससे पैसा लिया, कर्जा ले रखे बैठे हो भाई? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार ने मीडिया पे पक्षपात कर रही है, मतलब टीवी और अलग अलग मीडिया में, चाहे इंडिया न्यूज के जमाने में जब पत्रकारिता दिल्ली में कर रहे थे, उसके बाद पटना में जागरण से जुड़कर और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टीवी पेप और जो है अखबारों के लिए काम करने के 10 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि मीडिया में बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि जमीन पर जब दिल्ली की हो या पटना की हो, मध्य प्रदेश की खबर भेजता था तो जब वहां खबरें जाती थी तो उसका जनाजा निकल जाता था, हम जो भेजते थे उसके बिल्कुल उलट रिपोर्ट आती थी। तो उस बात से मैं कुछ सहमत हूँ, कुछ असहमत भी हूँ, लेकिन इस सहमति या असहमति के बीच जो सरकार लगता है बात सुनिए, मैं ऐसा है ना, कोई मुझे वो नहीं है ज्यादा, मैं कोई पार्टी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विरोध करने का हर किसी को अधिकार है। नहीं नहीं, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप बस, मैं खाली आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी दो ऐसे चेहरे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, और जो उनके साथ में काम कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। वहाँ तक जनता जो है योगी मोदी तक नहीं पहुँच सकती है, मतलब मोदी और योगी ठीक है, बाकी हाँ जो उनके हाँ काम करने वाले जो है वो लोग जो है मोदी और योगी की छवि खराब करना चाहते हैं, वो वहाँ तक बात नहीं पहुँचने देते हैं। बीसी में उस आदमी को रोक लिया जाता है, उसका काम नहीं कराया जाएगा, काम नहीं होने देंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहते हैं और मोदी से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी से हटवाइए और उनको जेल भिजवाने काम करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमने क्या गलत किया। उन पे अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो जनता जो है ये सब बातें करती रहेगी, उसके मन में अलग से जो है आक्रोश रहेगा कि हमारी जो है पार्टी बात सुनती नहीं है, हमें ध्यान देती है। क्योंकि मैं भी खुद कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का महामंत्री रहा हूँ, मैंने भी तमाम समस्याएं तमाम बातों को रखा, लेकिन मैंने देखा सिर्फ वहाँ क्या है, बैनर है, फोटो है, झंडे हैं, कार्यकर्ता को केवल काम कराने लिए रखा जाता है, लेकिन अगर उसकी कोई बात हो, उसकी कोई समस्या हो, उसकी कोई दिक्कत हो, उसमें कोई भी बड़ा नेता ध्यान देने का काम नहीं करता है। मतलब जो कहा जाता है कि हर किसी की बात सुनी जाएगी वो कार्यालय में लागू नहीं होता है, कभी लागू नहीं होता, कहने और करने में फर्क है बस, ये कहने में वो कुछ नहीं, हमारा कोई पार्टी से व्यक्तिगत मेरी ना लड़ाई है ना झगड़ा है, ना मैं कोई उसका दुश्मन हूँ, मैंने खुद काम किया है, ऐसा नहीं 5-6 साल हमने खुद काम किया है, लेकिन अब मेरा मन हट गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे सिर्फ काहे के लिए बुलाया जाएगा, झंडा उठाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहने के लिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने के लिए, लेकिन जब मेरा कोई काम पड़ेगा, जब हम कहीं फंसेंगे, ना तब कोई नेता काम करेगा, ना कोई पुलिस काम करेगा, ना अधिकारी सुनेगा, ये तीनों लोग सिलेंडर हो जाएंगे और कार्यकर्ता को बीच धार में छोड़ देंगे, कहेंगे यहीं पे मर के डूब जाना, मतलब ये चीजों को है, मतलब राजनीति की ये समस्याएं हैं। हाँ, यही आपसे निवेदन है मेरा कि बातों को अगर आप हमारे चैनल के द्वारा जो है पहुंच गए वहाँ नरेंद्र मोदी और योगी जी के पास, मैं मोटिवेट कर देंगे उठा दो उनको।